देश की धरोहर बच्चे होंदे आ। बच्चियां दे विच नूं बचाण लई देश का फ्यूचर चंगा बनाण लई उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया सी जिस दे विच लाइफ स्टाइल चेंज या लाइफ स्टाइल दे विच सानूं की चेंज लिआउण दी लोड़ है ताकि सानूं चंगी सेहत चंगा भविख चंगा वातावरण मिल सके। अज जदों सारी दुनिया तेजी नाल अगे वध रही है उस दे विच कई प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सब दा वड्डी जिहड़ी मेन प्रॉब्लम है उहदे विच पानी की कमी हो रही है, हवा दे विच पोल्यूशन है, साह लैण लग्गिआं सानूं प्रॉब्लम्स आउंदीआं, बिजली की सानूं प्रॉब्लम्स आ रही। आपां बहुत घरां विच रौला पाउंदे हां कि बिजली बहुत महंगी हो गई, लाइट महंगी हो गई, सारा महंगाई वध गई है, ट्रैफिक बहुत हो गया, सेहत खराब हो गई, लोगों नूं चंगी सेहत नहीं मिल रही। उन्होंने सानू मिनिस्ट्री वालों सानू एक प्रोग्राम लिख के दिता है, बना के दिता है, जिसकी अज स्टार्टअप कहने अस शुरुआत कर रहे हैं। पहली शुरुआत साढ़े तुसी ओ टीम दे साढ़े लीडर हो बच्चे जिहड़े गांह तुसी बच्चे नूं मैसेज देंदे हो, सुनेहा देंदे हो, काम करती हूँ। ये मेरा प्रोजेक्ट है सेफ वाटर सेफ लाइफ। इसका मतलब ये है कि आप सबको पता ही है कि पानी का हमारे लाइफ में कितनी ही इम्पोर्टेंस है। जल है तो ही हम है, जल के बिना हम जीना सोच भी नहीं सकते। जैसे कि आपने देखा है कि एक साइड में ग्रीन है, जैसे कि पेड़ है, वॉटर है, पेड़ पौधे हैं, सब कुछ है। एंड नेक्स्ट में हमने देखा है कि सूख गए हैं पेड़, राइट? मत करो मुझको बर्बाद, इतना तो तुम रखो याद, प्यासे ही रह जाओगे, मेरे बिना जी पाओगे। हम सबको पता है कि पानी की कितनी इम्पोर्टेंस है। मिलेगी हमें पानी में, पानी को गंदा नहीं करना चाहिए, जिससे हमारे एनिमल्स सेफ रहेंगे, और हमें पेड़ों को लगाना चाहिए जिससे हमारी धरती हरी भरी रहेगी, और हमें पानी की बचत करनी चाहिए, हमें साइकिल को यूज करना चाहिए ताकि हमारे फ्यूचर में। मिशन लाइफ एक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाया गया एक प्रोजेक्ट है। यह प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री मोदी ने 20 अक्टूबर को सरकार देश में लॉन्च किया था। इस प्रोजेक्ट का मेन तीन मुख्य कारण है, रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकल। रीयूज मतलब कि कोई भी सामान हो उसको कितना ज़्यादा से ज़्यादा रीयूज कर सकें। मेरा नाम मनीषा है, मैं CPLI प्रोजेक्ट में काम करती हूँ, मैं बच्चों को ट्रेनिंग भी देती हूँ। ठीक है, मैंने ये बनाया बैन प्लास्टिक, जिसमें हम बैन प्लास्टिक के बारे में एक्सप्लेन करूँगा चाहती हूँ मैं। जैसे कि डोंट यूज सिंगल यूज, जैसे कि हमारे जो चीज़ें बरती होती है अगर हम उसकी दोबारा बरतो करें तो उससे कहीं हानिकारक जानलेवा चीज़ें हो जाती है। जैसे कि पानी की बोतल होती है, अगर हम उसको जड़ी यूज की हुई पानी की बोतल उसमें दोबारा पानी डाल के अगर उसको यूज किया जाए तो वो गलत होता है। ये बैड फॉर एनिमल्स एंड बैड फॉर बर्ड्स। अगर जैसे कि प्लास्टिक वगैरह के छिलके उनके जैसे रोड रोड पे पड़े हो प्लास्टिक वगैरह, तो अगर उन्हें जानवर खा उड़े निगल उगल दे तो उनसे उनको कई बीमारियां हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें रोड पे नहीं फेंकनी चाहिए प्लास्टिक वगैरह। सेव ऑक्सीजन, जैसे कि हमें पता ही है कि मछलियाँ जो होती है वो अपना जो सांस होता है वो फेफड़े द्वारा नहीं गलफड़े द्वारा देती है, इसीलिए उन्हें पानी में ही रहना चाहिए, क्योंकि मछलियाँ जब तक पानी में रहती है तभी जीवित रहती है, अदरवाइज पानी से बाहर आती तो वो मर जाती है। हमें CPLI प्रोजेक्ट की तरफ से कई टॉपिक मिले थे, जिसमें कि हमें कहा गया था अपना टॉपिक एक चुने और उस पर एक चार्ट बनाए और एक्सप्लेन करें। इसलिए मैंने अपना एक टॉपिक सेफ ट्री एंड सेफ अर्थ पे बनाया है। जिस तरह आप देख सकते हैं कि हमारे जीवन में ट्री का कितना महत्व है, एक और ट्री। इस मिशन लाइफ में हमें बताया गया है जैसे पर्यावरण को जल, वायु और कई मिट्टी परतों जैसे पोल्यूशन से भी बचाना है। इस मिशन लाइफ का एक ही मोमेंट है कि कैसे भारत को स्वच्छ, साफ और एक अच्छी तरह और लोगों को जागरूक किया जाए। इसके लिए नरेंद्र मोदी द्वारा 3R का यूज किया है, रिसाइकल, रीयूज। और हमें यूज़ किया कूड़ा करकट बाहर नहीं फेंकना चाहिए, डस्टबिन में फेंकना चाहिए। जो हम चीज़ वगैरह खाते हैं उसका पेपर वगैरह सभी डस्टबिन में फेंकना चाहिए, इससे हमारी COP में ये ग्लोबल बैठक हुई थी जहाँ पे पूरे देश के पूरे विश्व के लोग जुड़े हुए थे। उसमें
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबको बुला के, सभी लीडर्स को बुला के यही बोला कि हमें इकट्ठा होके पर्यावरण की रक्षा करनी है और साथ में लेके चलना है और जलवायु परिवर्तन को रोकना है। इसके इसके लिए मेन दो ही टॉपिक है। ये तीन, इसके तीन चार मुख्य कारण होते हैं, जैसे कि ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। इससे हमें कई सारी बीमारियां लगती हैं, जैसे कि वायु प्रदूषण में हवाएं कण होते हैं। इसलिए हमारे जैसे कि मैंने CPLI प्रोजेक्ट में, मैं PR एजुकेटर हूँ, मैंने CPLI की तरफ से मुझे ये चार्ट बनाने को मिला है। इस चार्ट में मैंने क्लीन इंडिया बनाया है। पहले हमारा इंडिया ऐसे था, कई लोगों ने, अब जो लोग हो रहे हैं उन्होंने कूड़ा करकट इतना फेंका है, इतनी बीमारियां, प्रदूषण फैल रहा है। हमें पानी को गंदा नहीं करना चाहिए, इसमें कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए, हमें इससे बहुत सारी बीमारियां लग सकती हैं। कई सर समटाइम्स होता है टूटियों को खुला कर सकते हैं, टूथब्रश करते समय कई लोग टूटियों को खुला करके टूथब्रश करते हैं, हमें वो नहीं करना चाहिए। समटाइम्स होता है कि कहीं भी फालतू रोडों पे टूटियां लगी होती वो भी खुली टूट जाती हैं, वो सब हमें ध्यान में रखना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पानी फेंक करना चाहिए। नॉर्मल गाड़ियों के तौर पे बहुत कम पोल्यूशन करती है। CNG का मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो कि एक शुद्धता के तौर पे चलती है। ये गाड़ियाँ मतलब भारत में बहुत कम है, लेकिन आज के ज़्यादातर तो फ्यूचर में ये गाड़ी ज़्यादा चलनी चाहिए। ये गाड़ी तो मतलब पोल्यूशन बहुत कम करती है, या ज़्यादातर पोल्यूशन नहीं करती है। क्यों बनाया गया ये चार्ट? अगर हम पानी वेस्ट करें, आपके इलाके में कुछ लोग ऐसे हैं जो पानी को बहुत वेस्ट करते हैं? यस सर, बहुत सारे लोग हैं, पानी की कदर नहीं करते। हमने एरिया में देखा काफी सारे नल अपने खोले रहते हैं, तो आप अपनी कम्युनिटी में जाके क्या मैसेज दोगे? We'll be right back.